आखिर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ये भी सच है कि इश्क जब परवान चढ़ता है तो किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता है। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर से देखने को मिला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह कटिहार से है, जहां लाल जोड़े में दुल्हन और दूल्हे के पोशाक में दूल्हा कटिहार नगर थाना से निकल कर थाना परिसर के मंदिर में ही शादी रचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्वेता और चंद्रशेखर एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों छुप छुप कर मिलते थे, जिसके भनक ग्रामीणों को लगी और दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके साथ ही दोनों की थाना में शादी करा दी गई। आप दोनों में शादी करना पड़ा, थाना में शादी करना पड़ा। बता तो दी सब, तुम बताओ ना, तैयार है ना, आप पर खुश है ना, कोई बोलना है? कुछ नहीं बोलना। क्या नाम है? कुछ नहीं बोलना। क्यों थाना में शादी करा? हम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। अच्छा, तो थाना में क्यों आ गया? वही मैटर को लेकर के बस थाना लाया गया हम लोग को। अच्छा। बस थाना प्रांगण में शादी हुआ हमने। लड़का कहाँ का है? प्राणपुर थाना बैना नगर। आप लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को क्या? जी। प्यार कैसे हुआ था? रास्ते से। कैसे जानते थे एक दूसरे? कब, कितना दिन से जानते हैं? एकाक साथ। दरअसल मायना नगर के रहने वाला चंद्रशेखर पिछले कई दिनों से रामनगर की रहने वाली श्वेता से छुप छुप कर मिलता था। इस बीच मोहल्ला टोला के लोगों को जब इस बात की भनक लगी, तब इस बार प्राणपुर मायना नगर से जैसे ही चंद्रशेखर नगर थाना क्षेत्र के रामनगर में श्वेता से मिलने पहुंचा, तो मोहल्ला वालों ने दोनों को पकड़ कर नगर थाना पुलिस को सूचना दे दिया। नगर थाना पुलिस पहुंचकर दोनों को थाने लेकर आया, और फिर जब दोनों पक्षों के परिजनों को थाना बुलाया गया, तब दोनों पक्षों की रजामंदी से नगर थाना परिसर के मंदिर में ही श्वेता और चंद्रशेखर की थाना के पुलिस के मौजूदगी में ही शादी करा दी गई। सर, कल हम कटिहार आए हुए थे, हमको लगभग 3 बजे कॉल आया कि मोहल्ले रामनगर में तुम्हारी बहन जो है यहाँ पे एक लड़के के साथ आया मिलने जुलने के लिए, तो हम लोग को माहौल जो ठीक नहीं लगा, इसीलिए तुम्हारी बहन को रखे हैं बैठा करके, सो आओ इसका कुछ निष्कर्ष निकालो। तो हम गए वहाँ पे, देखे मेरी बहन थी और चंद्रशेखर था, तो इन लोगों को दोनों को बहुत हम मतलब पूछे कि क्या बात है, मैटर क्या है, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग कई सालों से प्यार करते हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। कुछ ग्रामीण लोगों का आक्रोश के कारण से जो है हम वहाँ से नहीं निकलवा पाए लोग इस तरह से, तो हम प्रशासन का सहारा लिए, प्रशासन थाना लाया गया, थाने के अंदर में शादी दोनों का करवाया गया। दोनों घर का रजामंदी है? जी 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 बिल्कुल। फिलहाल कटिहार नगर थाना परिसर के मंदिर में इस शादी की चर्चा जोर शोर से है। कटिहार से श्याम की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।